राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा मधवापुर प्रखंड के उत्तरा पैक्स पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव में मत पत्र की गड़बड़ी के कारण परिणाम घोषित करने पर रोक लगाते हुए यहां 6 दिसंबर को पुनः मतदान कराने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही आरओ सह बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू को मत पत्र में हुई इस गंभीर भूल के लिए दोषी माना गया है। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को जारी पत्रांक के माध्यम से प्राधिकार ने 6 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक पुनर्मतदान कराने का निर्देश है। साथ ही प्रूफ रीडिंग नहीं करने के कारण आरओ सह बीडीओ मुर्मू से स्पष्टीकरण की मांग कर अपने मंतव्य के साथ 7 दिसंबर तक प्राधिकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बताते चलें कि मधवापुर प्रखंड के 11 पंचायतों में तीसरे चरण में संपन्न हुए पैक्स चुनाव के बाद शुक्रवार की देर शाम से मतगणना आरंभ हुई। इस क्रम में उत्तरा पैक्स के परिणाम में विलम्ब होने लगा, जबकि दूसरे पंचायतों के परिणामों की घोषणा की जाने लगी। इसी बीच मतगणना के दौरान ही निवर्तमान अध्यक्ष सह प्रत्याशी दीनानाथ झा गन्ना हॉल से निकल गए और आरओ सह बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी व राज्य निर्वाचन प्राधिकार को ईमेल भेजकर शिकायत की कि मत पत्र में उनका नाम दीनानाथ झा की जगह दीपनाथ झा छपा हुआ है, जिसके कारण उनके समर्थक और मतदाता दिग्भ्रमित हुए हैं और मतदान प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरे प्रत्याशी सुभाष चंद्र तिवारी ने शिकायत की कि वह 99 मतों से दीनानाथ झा से आगे चल रहे थे, फिर भी उनके विजयी होने की घोषणा नहीं की गई है और प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं। इसको लेकर शनिवार की शाम प्रत्याशी तिवारी अपने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठ गए, लेकिन इसको लेकर राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मार्गदर्शन पत्र के जारी होने के साथ ही भूख हड़ताल समाप्त कर दिया गया। राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा मधवापुर प्रखंड के उत्तरा पैक्स पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव में मत पत्र की गड़बड़ी के कारण परिणाम घोषित करने पर रोक लगाते हुए यहां 6 दिसंबर को पुनः मतदान कराने का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही आरओ सह बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू को मत पत्र में हुई इस गंभीर भूल के लिए दोषी माना गया है। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी को जारी पत्रांक के माध्यम से प्राधिकार ने 6 दिसंबर को सुबह 7 बजे से शाम 4:30 बजे तक पुनर्मतदान कराने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रूफ रीडिंग नहीं करने के कारण आरओ सह बीडीओ मुर्मू से स्पष्टीकरण की मांग कर अपने मंतव्य के साथ 7 दिसंबर तक प्राधिकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। बताते चलें कि मधवापुर प्रखंड के 11 पंचायतों में तीसरे चरण में संपन्न हुए पैक्स चुनाव के बाद शुक्रवार की देर शाम से मतगणना आरंभ हुई। इस क्रम में उत्तरा पैक्स के परिणाम में विलम्ब होने लगा, जबकि दूसरे पंचायतों के परिणामों की घोषणा की जाने लगी। इसी बीच मतगणना के दौरान ही निवर्तमान अध्यक्ष सह प्रत्याशी दीनानाथ झा गन्ना हॉल से निकल गए और आरओ सह बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी व राज्य निर्वाचन प्राधिकार को ईमेल भेजकर शिकायत की कि मत पत्र में उनका नाम दीनानाथ झा की जगह दीपनाथ झा छपा हुआ है, जिसके कारण उनके समर्थक और मतदाता दिग्भ्रमित हुए हैं और मतदान प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरे प्रत्याशी सुभाष चंद्र तिवारी ने शिकायत की कि वह 99 मतों से दीनानाथ झा से आगे चल रहे थे, फिर भी उनके विजयी होने की घोषणा नहीं की गई है और प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं। इसको लेकर शनिवार की शाम प्रत्याशी तिवारी अपने समर्थकों के साथ प्रखंड कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठ गए, लेकिन इसको लेकर राज्य निर्वाचन प्राधिकार के मार्गदर्शन पत्र के जारी होने के साथ ही भूख हड़ताल समाप्त कर दिया गया।